बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से शहर में संजना और लकी नाम के पति पत्नी रहते थे। संजना कभी माँ नहीं बन सकती थी, इसीलिए वो हमेशा अपने पति लकी के पीछे पड़ी रहती थी कि वो दूसरी शादी कर ले। सुनो जी, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। पर मुझे बच्चा चाहिए, मैं भी चाहती हूँ कि कोई मुझे माँ कहकर पुकारे, मेरा अपना बच्चा हो। ठीक है, हम एक बच्चा गोद ले लेंगे। नहीं, मुझे मेरा अपना बच्चा चाहिए, मुझे आपका बच्चा चाहिए, उसके लिए तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। देखो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता। संजना के लाख कहने पर भी उसका पति लकी शादी के लिए नहीं मानता। मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी, मुझे कोई माँ कहने वाला नहीं होगा, मैं एक बांझ बन कर ही रह जाऊंगी। देखो, तुम्हें बच्चा चाहिए ना, तो हम एक बच्चा गोद ले लेंगे, वो बच्चा तुम्हें माँ कहकर बुलाएगा। नहीं, मुझे कोई बच्चा गोद नहीं लेना, मुझे तो मेरा और तुम्हारा बच्चा चाहिए। लकी संजना को समझाता रहता है, पर संजना नहीं समझती और वो अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके रोने लगती है। मैं माँ बने बिना ही मर जाऊंगी, किसी को मेरी कोई चिंता ही नहीं है। लकी भी संजना को इस तरह से परेशान देखकर दुखी होता है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, मैं बच्चे के लिए किसी और से शादी नहीं कर सकता। फिर लकी भी वहीं हॉल में बैठा बैठा ही सो जाता है। और अगली सुबह जब लकी सोकर उठता है तो वो देखता है संजना को बहुत तेज बुखार है। संजना, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। चलो उठो, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मुझे नहीं जाना किसी डॉक्टर के पास, जब मुझे बिना औलाद के मरना लिखा है तो ऐसे ही सही। संजना, तुम भी ना किसी बच्चे जैसी जिद करती हो, तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता, पर तुम हो कि समझती नहीं हो। लकी संजना को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बहुत पीछे पड़ता है, पर संजना डॉक्टर के पास जाने से मना कर देती है। इस बात से लकी बड़ा परेशान होता है। ओफो, इसे मैं कैसे समझाऊं? देखो संजना, तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, पर पहले तुम डॉक्टर के पास तो चलो। तुम मेरी हर बात मानोगे ना? हाँ हाँ, तुम जो कहोगी मैं मानूंगा, अब चलो डॉक्टर के पास। संजना फिर अपने पति के साथ डॉक्टर के पास दवाई लेने चली जाती है। जब संजना डॉक्टर से दवाई लेकर वापस आ रही होती है तो उसे रास्ते में एक लड़की सड़क के किनारे पड़ी दिखाई देती है। अरे, ये सड़क के किनारे कौन लड़की पड़ी है? अरे हाँ, ये तो कोई लड़की है, शायद बेहोश हो गई है। संजना और लकी अपनी गाड़ी से उतरकर लड़की के पास जाते हैं और उसे उठाकर अपने घर ले आते हैं। कुछ देर बाद लड़की को होश आता है। तुम लोग कौन हो? मैं यहाँ कैसे आ गई? तुम हमें रोड पर बेहोश मिली तो हम तुम्हें अपने घर ले आए। तुम घबराओ मत, तुम यहाँ सुरक्षित हो। अच्छा बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम सविता है, मैं पास के गांव में अकेली रहती हूँ। कुछ लोग मेरे अकेलेपन का फायदा उठाने के लिए मेरे घर में घुस आए थे, इसीलिए मैं वहाँ से भाग आई। ओह, ऐसी बात है, तुम यहाँ हमारे साथ रह सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हो। सविता खुशी खुशी संजना और लकी के घर में रहने लगती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, सविता बिल्कुल उनके घर के एक सदस्य की तरह बन जाती है। सविता संजना और लकी का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगी थी। ये देखकर संजना मन ही मन सोचने लगी, सविता मेरा और लकी का कितने अच्छे से ख्याल रखती है, क्यों ना मैं सविता की शादी लकी से करवा दूं? ये सोचकर संजना अपने पति से सविता से शादी करने के लिए कहती है। सुनो जी, मुझे आपसे सविता के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। तुम्हें सविता से शादी करनी होगी। तुम्हें पता है ना, मैं ये कभी नहीं कर सकता। अगर तुमने सविता से शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। लकी संजना की बात सुनकर घबरा जाता है और वो संजना के कहने पर सविता से शादी करने के लिए राजी हो जाता है। फिर सविता और लकी की शादी हो जाती है, जिससे संजना बड़ी खुश होती है। फिर कुछ दिनों बाद सविता प्रेग्नेंट हो जाती है। संजना सविता का अच्छे से ध्यान रखने लगी थी। फिर एक रात जब संजना पानी पीने के लिए रसोई में जाती है तो वो देखती है कि सविता वहाँ बैठी चिकन खा रही है। ये क्या, सविता तो शाकाहारी है, ये ऐसे पागलों की तरह यहाँ बैठकर चिकन कैसे खा सकती है? संजना सविता के पास जाती है। ये तुम क्या कर रही हो? वो दीदी, मुझे बहुत भूख लगी थी और रसोई में खाने के लिए कुछ नहीं था तो मैंने चिकन खा लिया। पर सविता तो चिकन नहीं खाती। सविता को इस तरह चिकन खाते देख संजना को कुछ अजीब लगता है और वो मन में सोचने लगती है, यार संजना को क्या हो गया? हो सकता है सविता प्रेग्नेंट है, शायद इसलिए उसका चिकन खाने का मन कर रहा होगा। संजना सविता से कुछ नहीं कहती और वो अपने कमरे में सोने चली जाती है। फिर ऐसे ही अगले दिन जब रात को घर के सब लोग सोए हुए थे,
तब सविता अपने चुड़ैल के रूप में आती है और वो कुछ तांत्रिक पूजा करने लगती है। जैसे ही चुड़ैल की पूजा खत्म होती है तो चुड़ैल बड़े जोरों से हंसने लगती है। अब फिर से मेरी सारी शक्तियाँ मुझ में वापस आ जाएगी जब मेरा और लकी का बच्चा होगा। मेरा और इंसान के बच्चे के बगैर मुझ में शक्तियाँ नहीं आ सकती, इसके लिए मेरा और लकी का बच्चा होना बहुत जरूरी है। जब चुड़ैल अपने कमरे में तांत्रिक पूजा कर रही होती है तभी संजना की नींद खुल जाती है तो वो सविता को देखने जाती है। जैसे ही संजना सविता के कमरे के पास जाती है तो उसे सविता के कमरे से डरावनी आवाजें आती हैं। संजना खिड़की से झांक कर देखने लगती है तो कमरे के अंदर का नजारा देखकर संजना के होश उड़ जाते हैं। ये क्या, ये तो एक चुड़ैल है और ये तो लकी के बच्चे की माँ बनने वाली है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, अब मैं क्या करूं, अपने बच्चे को इस चुड़ैल से कैसे बचाऊं? फिर संजना जल्दी से अपने पति के पास जाती है और उसे सविता की हकीकत के बारे में बताती है। ये सविता कोई लड़की नहीं है बल्कि एक चुड़ैल है, अब तो चुड़ैल आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने खुद अपनी आंखों से उस चुड़ैल को देखा है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो चलो मेरे साथ। फिर संजना अपने पति को सविता का असली रूप दिखाने ले जाती है। वहाँ जाकर लकी के भी होश उड़ जाते हैं। लकी और संजना दोनों खिड़की से चुड़ैल को छुप कर देखते हैं। जैसे ही चुड़ैल अपनी तांत्रिक पूजा खत्म करती है तो वो अपने पेट पर हाथ फेर कर हंसने लगती है। मेरे बच्चे, बस तुझे कुछ समय और इंतजार करना पड़ेगा, फिर जैसे ही तेरा जन्म होगा मेरी शक्तियाँ मुझे दोबारा वापस मिल जाएंगी, फिर मैं तुझे लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। संजना और लकी छुप कर चुड़ैल की बातें सुन रहे होते हैं। तभी वहाँ चुड़ैल के सामने आते ही वो दोनों चुड़ैल से कहते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकती और तुम एक चुड़ैल हो, तुमने हमें धोखा दिया। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की जैसी समझती थी पर तुमने क्या किया, तुमने हमें ही धोखा दिया। मैं तुम्हें अपने बच्चे को कहीं नहीं ले जाने दूंगी, ये मेरा बच्चा है। हाँ, संजना बिल्कुल सही कह रही है, हमने तुम्हें अपना समझा और तुमने हमारी भावनाओं के साथ खेला, अब हम तुम्हें अपने बच्चे को कहीं नहीं ले जाने देंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मुझे मेरी शक्ति वापस लाने के लिए मेरा और इंसान का बच्चा होना जरूरी था, तभी मुझे मेरी शक्तियाँ वापस मिल सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। संजना और चुड़ैल आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। तभी चुड़ैल को दर्द होने लगता है और वो दर्द से तड़पने लगती है। ओह, मुझे तकलीफ हो रही है, ओह, मेरे बच्चे के जन्म का समय हो गया है। सुनो जी, इसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, हम अभी इसे अस्पताल लेकर चलते हैं। फिर संजना और लकी चुड़ैल को अस्पताल लेकर जाते हैं। वहाँ चुड़ैल एक सुंदर बच्चे को जन्म देती है। संजना बच्चे को अपनी गोद में लेती है और उसे प्यार करती है। तभी बच्चे को जन्म देने के साथ ही चुड़ैल की खोई हुई सारी शक्तियाँ उसे वापस मिल जाती हैं। ये देख चुड़ैल खुशी से हंसने लगती है। मेरी शक्तियाँ वापस आ गई। फिर चुड़ैल संजना से अपना बच्चा वापस मांगती है तो संजना बच्चे को देने से मना कर देती है। ये बच्चा मेरा है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। चुड़ैल संजना से अपना बच्चा लेने की बहुत कोशिश करती है पर संजना चुड़ैल को बच्चा नहीं देती। भगवान के लिए मेरा बच्चा मुझे दे दो, मेरे बच्चे को मुझसे दूर मत करो, मैंने इस बच्चे के लिए ना जाने कितने सपने देखे हैं, अगर तुम मेरे बच्चे को ले गई तो मैं अपने बच्चे के बगैर मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस बच्चे के बगैर ये मर जाएगी, एक माँ को एक बच्चे से दूर मत करो। नहीं, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा है और मैं अपने बच्चे को किसी को नहीं दूंगी। फिर जैसे ही चुड़ैल संजना से बच्चा अपनी गोद में लेती है तो बच्चा चुड़ैल की गोद में बड़ी जोरों से रोने लगता है। बच्चे को देखकर संजना से रुका नहीं जाता तो वो चुड़ैल से बच्चे को अपनी गोद में ले लेती है। बच्चा संजना की गोद में आते ही चुप हो जाता है। ये देखकर चुड़ैल का दिल पसीज जाता है। चुड़ैल के अंदर की ममता जाग जाती है और वो संजना से कहती है, ये बच्चा तुम रखो, तुम इस बच्चे की माँ हो, मैं एक माँ होकर एक माँ से उसके बच्चे को दूर नहीं कर सकती, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस बच्चे की अच्छे से परवरिश करोगी, ये एक चुड़ैल और इंसान का बच्चा है तो इसमें भी बुरी शक्ति नहीं होगी, ये एक आम इंसान की तरह ही रहेगा, ये लो तुम्हारा बच्चा। चुड़ैल एक बार अपने बच्चे को बड़े प्यार से देखती है, फिर संजना को बच्चा देकर वहाँ से चली जाती है। संजना भी अपने बच्चे को पाकर बड़ी खुश होती है।